गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। देखिए लास्ट कल के लेक्चर में हमने ग्राफ स्टार्ट किया था, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, दैट ग्राफ थ्योरी में हमने देखा बेसिक्स, टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज होती है, आपकी पाथ, साइकिल, वॉक, ट्रेल, सर्किट क्या होता है। फिर हमने देखा डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री के करस्पॉन्डिंग टोटल सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस। फिर आपका यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमने डिफरेंट टाइप देखे, दैट इज नल ग्राफ, ट्रिवियल ग्राफ, सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, स्यूडो ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, व्हील ग्राफ, बाइपरटाइट ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था अप टू बाइपरटाइट ग्राफ। बाइपरटाइट ग्राफ क्या होता है, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट सब लोग ज्वाइन करते हैं, जब तक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। ओके अगर हमें देखा है, क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस, व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ विथ 27 एजेस, 6 वर्टाइसेस, 27 एजेस है, 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3, 6 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 2, 3 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 4, 6 वर्टाइस ऑफ डिग्री 2, 3 वर्टाइस ऑफ डिग्री, थ्री वर्टाइस ऑफ डिग्री 4 एंड रिमेनिंग ऑफ डिग्री 3, रिमेनिंग। ठीक है, जितने भी बचे हुए नोट हैं आपके, दैट ऑल ऑफ डिग्री 3, रिमेनिंग ऑफ डिग्री 3। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, उस ग्राफ में टोटल वर्टाइसेस कितने होंगे जिसके कंडीशन क्या दी है कि 27 एजेस हैं, 6 वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 2 है, 3 वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 4 है और रिमेनिंग की डिग्री 3 है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन द ग्राफ, बताइए क्या आएगा। अभी तक हमने जो कंटेंट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। यस आ गया है। ओके, सो कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, दैट इज राइट। ठीक है, अगेन फॉर्मूला आपका वही है, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एजेस। अब हमें बोला है कि टोटल एजेस कितनी है, 27 है। ठीक है, और सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 6 वर्टाइसेस की डिग्री 2 है, 3 की 4 है और रिमेनिंग की 3 है। तो अगर टोटल हमने वर्टेक्स एज्यूम कर लिए, अब टोटल वर्टेक्स काउंट करना है आपको, तो टोटल वर्टेक्स एज्यूम कर लिए हमने एक्स। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, टोटल वर्टेक्स एक्स है, उसमें से 6 की डिग्री कितनी है, 2 है, तो 6 इंटू 2 प्लस 3 की डिग्री कितनी है, 4 है, तो 3 इंटू 4 प्लस रिमेनिंग की डिग्री कितनी है, 3 है। तो टोटल एक्स है
तो x में से आपको 6 और 3 माइनस करना है, यानी x माइनस 9 की डिग्री कितनी है आपकी, दैट इज 3, रिमेनिंग की डिग्री 3 है, दैट ऑल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एजेस. सो दैट जस्ट x की वैल्यू आपको इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है, एजेस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 27. तो जस्ट पुट e की वैल्यू 27 पुट करेंगे हम यहाँ पर, सो 2 × 27, तो ये हो गया 12 + 12 + 3x - 27 = 54. क्लियर है, तो ये हुआ 24, 3x = 54 - 24, दैट इज 30. गलत लिख दिया क्या कुछ? सो 54 - 24, ठीक है, सो ये आपका कितना आएगा, दैट इज 30. आई थिंक दैट इज एक्स माइनस 9, 24 54, दैट इज 30 + 27, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 57/3, सो x इक्वल टू 19. 19 इज द राइट आंसर. टोटल वर्टेक्स 19 ले लिया हमने, x की वैल्यू पूछी हमें, सो दैट इज 19, सो 19 इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि यहाँ पे x into 3 लिख सकते थे कि x vertex की degree 3 है, तो x की value 10 आती है आपकी, और 10 में फिर ये 9 add करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा. So there are two way to solve this type of question. So that is the answer, 19. ठीक है, get question ही है आपका. Now अब हम देखते हैं, हम क्या देख रहे थे, that last class में types of graph पे थे हम, bipartite तक हमने discuss किया था. Now the next one is डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देखने से क्या, बाइपार्टाइट. देखिए बाइपार्टाइट ग्राफ क्या था आपका, इस ग्राफ में हम क्या कर रहे थे कि सेट ऑफ वर्टेक्स को अगर हम पॉसिबल है कि दो सबसेट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इफ अगर किसी भी ग्राफ के सेट ऑफ वर्टेक्स को आप दो सबसेट में डिवाइड करें सच दैट सेम सेट के वर्टेक्स में कोई एज नहीं हो, तो वो टाइप का ग्राफ आपका बाइपार्टाइट कहलाएगा. तो जैसे v1 v2 v3 में कोई एज नहीं, क्या दो से ज्यादा सबसेट बन सकते हैं, टू में होगा तो वो आपका बाइपार्टाइट कहलाएगा, टू से ज्यादा में वो फिर आपका मल्टीग्राफ कहलाता है, दैट इज नॉट इन दैट इज इसमें आपका नहीं है सिलेबस में, ठीक है, बट बाइपार्टाइट में एग्जैक्टली आपको दो ही सबसेट में डिवाइड करना है. क्लियर? ठीक है, दो से ज्यादा में डिवीजन वाला ग्राफ आपका बाइपार्टाइट नहीं होगा. बाइपार्टाइट की कंडीशन इतनी है कि ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. क्लियर? बस यही डाउट. हाँ, नाउ अब देखिए, हमने देखा अप टू बाइपार्टाइट ग्राफ. नाउ नेक्स्ट पे मूव करने से पहले हम देखते हैं, एक होता है आपका स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड के पहले हम देखते हैं व्हाट इज कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ. कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ, सो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या हुआ आपका, कनेक्टेड वर्ड को मीनिंग क्या बोलेंगे हम, ग्राफ कनेक्टेड कब होगा, जब हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपके पास एक पाथ एग्जिस्ट करता हो, देन दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, सो कनेक्टेड मीन्स, या सिंपल सा आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इफ देयर इज एट लीस्ट वन पाथ टू मूव फ्रॉम वन वर्टेक्स टू रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ, From one vertex to remaining vertex of graph. ठीक है, if there exist, there is at least one path to move from one vertex to remaining vertex of graph is called connected. ठीक है,
अदरवाइज इट इज डिसकनेक्टेड, अदरवाइज इट इज डिसकनेक्टेड. उस केस में आप क्या बोलेंगे? दैट इज डिसकनेक्टेड. सो दैट सेकेंड आप क्या बोल रहे हैं? दैट इज डिसकनेक्टेड. सो हम बोल रहे हैं एटलीस्ट वन पाथ आपका एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि हर एक ग्राफ के थ्रू आपका क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं होगा जिस पर आप किसी वर्टेक्स से रीच नहीं कर सकते. तो दैट इज दी कंडीशन. अब कनेक्टेड ग्राफ तो अभी तक हम जितने भी देख रहे हैं दैट इज ऑल आर कनेक्टेड. ठीक है, लाइक आप कोई भी ग्राफ लिखें, ठीक है, लाइक दिस मैंने ग्राफ बनाया, दैट इज ए बी सी डी एंड ई. तो हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपके पास एक पाथ है, सो दैट इट इज कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, डिसकनेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करें, सो डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है आपका? ये उस ग्राफ में हम जनरली ग्राफ में दो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं. ठीक है, ये आपने बोल दिया दैट इज कनेक्टेड. डिसकनेक्टेड ग्राफ में आपके वर्टेक्स होंगे, एजेस होंगी और एक होगा कंपोनेंट. ठीक है, लाइक जैसे आपको एक ग्राफ दिया लाइक दिस. ठीक है, एंड यहां पर आपको बोला है दैट इज द ग्राफ जी. ठीक है, सो जी ग्राफ में आपके पास टोटल वर्टेक्स कितने? सो 1 2 3 4 5 6 7. कितने वर्टेक्स है? 7 वर्टेक्स है. 2 3 4 5 6 and 7 वर्टाइसेस. ठीक है, सो देर आर 7 वर्टेक्स इन दिस ग्राफ. नाउ एजेस कितनी है? सो इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए एजेस भी कितनी है आपकी? 7 एजेस दिख रही है. ठीक है, और कंपोनेंट कितने? 2 कंपोनेंट है. कंपोनेंट का मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट ग्राफ में जो भी होंगे वो कंपोनेंट, किसी भी ग्राफ में कंपोनेंट का बोलेंगे जब वो आपस में क्या हो? कनेक्टेड हो. यानी कि जितने वर्टेक्स एक पार्ट में कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पर 4 वर्टेक्स है तो ये 4 वर्टेक्स का एक कंपोनेंट बन गया, ये 3 वर्टेक्स का एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर डिजाइन हो गया. क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट. तो कनेक्टेड डिसकनेक्टेड में हम इस तरीके से बोलेंगे. सो हम यहाँ पर बोल रहे हैं दैट ग्राफ में टर्मिनोलॉजी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ वर्टेक्स है 7, एजेस है कितनी आपकी? दैट इज 7, एंड K से कंपोनेंट रिप्रेजेंट करते हैं, K इक्वल्स टू कंपोनेंट, एंड दैट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 2. कितने कंपोनेंट है? 2 कंपोनेंट आपके यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो डिसकनेक्टेड ग्राफ में हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे. और अगर आप नल ग्राफ की बात करें तो नल ग्राफ में हम कितने कंपोनेंट, अगर मान लीजिए आपको बोला है कि एक ग्राफ में n वर्टेक्स है और n कंपोनेंट है, तो वो ग्राफ किस टाइप का कहलाएगा? आपका नल ग्राफ. इफ ग्राफ कंटेन n component, then that type of graph is called null graph. N vertex or N component. ठीक है, तो देखिए connected और disconnected में अगर हम यहाँ पर comparison करते हैं, so connected graph में हम क्या बोलेंगे? अगर complete graph है आपका, that is the complete graph. ठीक है, so total number of vertex का formula, total number of edges का formula क्या लिखा था हमने? N into N minus 1 by 2, that is the total number of edges if the graph is कनेक्टेड. क्लियर? नाउ अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है, ठीक है, दैट इज फॉर कनेक्टेड कंप्लीट ग्राफ. कनेक्टेड कंप्लीट, ठीक है, कनेक्टेड कंप्लीट ग्राफ. नाउ डिसकनेक्टेड ग्राफ की अगर हम बात करें तो कोई भी डिसकनेक्टेड ग्राफ है जिसमें n वर्टेक्स और k कंपोनेंट है, ठीक है, देन उसमें मैक्सिमम एजेस जो होती है, ठीक है, डिसकनेक्टेड ग्राफ की अगर आप बात करें, डिसकनेक्टेड ग्राफ विथ एन वर्टेक्स के कंपोनेंट देन टोटल नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू एन माइनस के प्लस वन बाई टू मैक्सिमम. ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम एजेस, मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है आपकी? दैट इज इक्वल्स टू दिस. यानी कि अगर k कंपोनेंट है और n वर्टेक्स है तो इससे ज्यादा एजेस कभी नहीं होगी आपकी. और मिनिमम अगर एज की बात करें हम, ठीक है, कि एटलीस्ट कितनी एजेस होनी चाहिए, तो मिनिमम का फॉर्मूला यहां होता है आपका, दैट इज मिनिमम एज इज इक्वल्स टू एन माइनस के. देखिए अब मिनिमम का लॉजिक क्या, जैसे मान लीजिए मैंने बोला यहाँ पे 4 वर्टेक्स है, ठीक है, और 4 वर्टेक्स है
और मान लीजिए आपने कंपोनेंट भी 4 बोल दी, तो एजेस कितनी होगी? 0। अरे ग्राफ है, मैंने बोला दैट इज द ग्राफ, तो यहाँ पे एन की वैल्यू भी 4 है और के की वैल्यू भी कितनी है? 4 है। सो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई? एन माइनस के, दैट इज 0। अगर मान लीजिए आपने यहां पर कोई एक एज ड्रॉ कर दी, ठीक है, लाइक दिस, मान लीजिए आपने ये बनाया, ग्राफ इज दिस। सो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स कितने हैं? 4 है, और कंपोनेंट कितने हैं? एक कंपोनेंट ये 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो n की वैल्यू 4, k की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो एजेस कितनी होगी? 4 माइनस 3, दैट इज 1। क्लियर है? सो सच टाइप ऑफ कंडीशन एग्जिस्ट करेगी आपकी। हेलो, हाँ बोलो। कंपोनेंट, कंपोनेंट देखिए, कंपोनेंट का मतलब जितने पार्ट डिसकनेक्टेड पार्ट है आपके, ये एक कंपोनेंट है, ये एक कंपोनेंट है, ये भी एक कंपोनेंट है और ये भी एक कंपोनेंट है। जैसे आपने प्रीवियस ग्राफ देखा हमने, यहाँ पे ये एक पार्ट है, दैट इज वन कंपोनेंट K1, और इसको K2 बोल दिया हमने। वो ग्राफ के वो डिसकनेक्टेड पार्ट जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ ग्राफ। आया समझ में? यस सर। इस ग्राफ में सारे वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो सारे कंपोनेंट हो गए। यहां पर ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये एक कंपोनेंट में आ गए आपके, ये दूसरे कंपोनेंट में और ये थर्ड कंपोनेंट में। V1 V2 एक कंपोनेंट में, V3 सेकंड कंपोनेंट में और V4 थर्ड कंपोनेंट में। तो K की वैल्यू 3, तो एज एग्जैक्टली एक दिख रही है आपको। सो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। मैक्सिमम एजेस कितनी होगी? तो दैट इज दिस। क्लियर है? मैक्सिमम एज का फॉर्मूला है आपका ये वाला। अब जैसे इस तरीके से, अब क्योंकि एग्जैक्टली आप यहां पर किसी ग्राफ को ड्रॉ करके ये नहीं बोल सकते कि वो मैक्सिमम फाइंड कर पा रहा है या नहीं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे इस प्रीवियस ग्राफ के लिए अगर देखें, तो देखिए यहाँ पे 4 वर्टेक्स, टोटल 7 वर्टेक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूरे ग्राफ को आपने ब्रैकेट में इसीलिए लिखा क्योंकि ये कंप्लीट अ सिंगल ग्राफ विथ 2 कंपोनेंट। तो 7 वर्टेक्स, के की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो अगर आपसे बोला है कि 7 वर्टेक्स और 2 कंपोनेंट के साथ मैक्सिमम कितने आप एजेस डिजाइन कर सकते हैं, तो अगर मैं यहां पर एन की वैल्यू 7 और के की वैल्यू कितनी रखूं? 2 रखूं, तो मैक्सिमम कितना आएगा? तो देखिए 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो यहां से आएगा आपका 5, इधर से आएगा आपका दैट इज 6, ठीक है। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, तो 30 बाय 2, दैट इज 15। सो मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है? 15 हो सकती है, बट यहां पर कितनी है आपकी? 7 है, बिकॉज इट इज अ लेस देन 15 होनी चाहिए, तो 7 आ रही है आपकी। हमने क्या बोला? इट इज मैक्सिमम रेंज जो है वो आपकी कहां से जाएगी? दैट इज दिस टू दिस। सो अगर आपको इस टाइप से बोला है कि रेंज ऑफ एज इन डिसकनेक्टेड ग्राफ, डिसकनेक्टेड ग्राफ, सो क्या होगी आपकी? n-k2 n-k into n-k+1/2, दैट इज द रेंज ऑफ ग्राफ। क्लियर? सो मिनिमम टू मैक्सिमम, इसके बीच में कितने भी एजेस हो सकती है आपकी। क्लियर? ठीक है, तो देखिए 7 और 1 वाले में क्या बनाओ आप, तो 15 एजेस कब आ सकती है? अच्छा बताइए, अगर मैंने n इक्वल्स टू 7 लिया है और k इक्वल्स टू आप क्या ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो किस तरीके के दो कंपोनेंट आप डिजाइन करें कि आपकी मैक्सिमम एज इस फॉर्मूले से जो जनरेट हो रही है वो जनरेट हो जाएगी? टोटल 7 वर्टेक्स है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 वर्टेक्स है आपके पास। तो किस तरीके से आप कंपोनेंट डिजाइन करेंगे कि यहां पर आपका जो ग्राफ है वो जो एजेस जनरेट करे वो इस फॉर्मूले से जो एजेस आ रही है वो उसके इक्विवेलेंट हो? देखिए इसके लिए मतलब बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। मैक्सिमम एजेस कब आ सकती है आपकी? टू वर्टेक्स को अलग रख देंगे, टू वर्टेक्स को अलग रख देंगे, टू को अलग और फाइव को एक में। यस सर। हाँ
हाँ ठीक है, अगर टू को अलग रखा और फाइव को एक में रखा तो फाइव से मैक्सिमम कितनी आएगी? फाइव से मैक्सिमम आपकी आएगी टेन यूजिंग दिस फॉर्मूला, और टू वर्टेक्स से एक आ जाएगी तो भी इलेवन ही होगी वो सर, सिक्स और वन बड़ा में तो फिफ्टीन आएगी ना. यस दैट सिक्स एंड वन कंप्लीट ग्राफ ऑफ, हाँ सिक्स और वन में हो जाएगा दैट कंप्लीट ग्राफ ऑफ सिक्स वर्टेक्स. मान लीजिए मैंने ये ले लिया तो सिक्स वर्टेक्स का कंप्लीट ग्राफ नंबर ऑफ एजेस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, सिक्स इंटू फाइव बाई टू दैट इज फिफ्टीन, और एक वर्टेक्स अलग है उससे कोई एज बनेगी नहीं आपकी, टोटल फिफ्टीन एजेस बन जाएगी यहाँ से. ठीक है दैट सर, ये कंडीशन तो फिर सारों में अप्लाई होगी चाहे कितने का भी ले लें, सिंगल को छोड़ के मैक्सिमम निकाल होगी फिर तो ये वाले फॉर्मूले की क्या जरूरत, सिंगल को छोड़ के मैक्सिमम. बट आपसे क्वेश्चन, अरे मतलब याद करने तो फॉर्मूला से आ रहा ना आंसर, ऐसे कैसे निकालोगे? याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे. ठीक है तो फॉर्मूला याद तो रखना पड़ेगा आपको. मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइक अगर मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर, हाँ बोलो तुम क्या बोल रहे हो. मैं ये बोल रहा था कि लाइक सपोज करिए कि उसने दिया कि बोलिए क्या, फाइव कंपोनेंट है तो फाइव में से वन माइनस करके उसमें टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे फोर इंटू थ्री बाय टू करके सर डायरेक्ट, तो सेम आंसर आएगा. आ रहा है कंपोनेंट तभी पॉसिबल है ना, के फोर लिख दिया तब क्या करेगा? अरे तो फिक्स दो कंपोनेंट ले लिए तो बन रहा है. नहीं मैं मैक्सिमम के लिए बोल रहा हूँ सर, समझ गया. हाँ मैं मैक्सिमम के लिए बोल रहा था. यस अरे हाँ मैक्सिमम के लिए तो वही बनेगा, तो मैक्सिमम थोड़ी पूछेगा आपसे, मैक्सिमम क्यों पूछेगा वो, उसको मालूम है मैक्सिमम तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे. अरे उसने तो आपको के की वैल्यू दे दी और एन की वैल्यू दे दी और पूछा कि कितनी एजेस होगी, तो फिर कैसे दिमाग लगाओगे? सबसे सिंपल है, फॉर्मूले में पुट करा और डायरेक्ट निकाला. क्लियर? कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला भी नहीं है, सिंपल सा है, एन माइनस के फिर एन माइनस के में प्लस वन डिवाइड बाई टू. क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आया है आपका कि अगर आपसे डायरेक्ट अननोन वेरिएबल ही दे दिया और फॉर्मूला पूछा तो फिर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा ना उसको. गॉट इट? क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट पे जो वैल्यूज आएगी वो तो फिर आपको डेफिनेटली या तो केसेस बनाने पड़ेंगे, खुद को दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसके लिए भी कोई ना कोई लॉजिक बैठ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको फॉर्मूला जब दिया है तो यूज करें हम उसी फॉर्मूले का. क्लियर? सो दैट इज कनेक्टेड डिसकनेक्टेड, ये हमने देखा. नाउ देखिए अगर आपसे लिखा है स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, अब ये स्ट्रांगली कनेक्टेड वर्ड कब यूज होगा आपका? स्ट्रांगली कनेक्टेड का मतलब ये, देखिए कनेक्टेड ग्राफ सिंपल सा हमने क्या बोला कि कोई भी ग्राफ है अगर आपका और वो ग्राफ में हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए आपके पास कोई एज है तो वो आपका कनेक्टेड कहलाएगा. स्ट्रांगली कनेक्टेड वर्ड हम जनरली डायरेक्टेड ग्राफ के लिए यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जब डायरेक्टेड ग्राफ आप डिजाइन करोगे सो डायरेक्टेड ग्राफ के केस में डायरेक्शन आपने अगर एक बनाया जैसे लाइक दिस, एक ग्राफ मैंने डिजाइन किया दैट इज दिस, ठीक है ए बी सी डी. अब क्या ये ग्राफ आपका कनेक्टेड ग्राफ, मतलब हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए क्या कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर? यस सर. यस करेक्ट, क्योंकि अगर हमने ये लिखा या तो ये पाथ ग्राफ बनाया या फिर ये बनाया. देखिए मैंने दो ग्राफ बनाए, एक डायरेक्टेड और एक अनडायरेक्टेड, तो इस केस में भी हम क्या बोल रहे हैं, हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं और इसमें भी हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं. सो बोथ आर कनेक्टेड, बट डायरेक्टेड में इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है आपका लाइक ए बी सी डी दैट इज दिस. नाउ अब हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे पॉसिबल है कि आपका? नो सर.
डी से नहीं, ए पे क्योंकि ए पे, ए से आप बी पे सी पे जा सकते, हाँ, बट ए पर आप किसी भी वर्टेक्स के थ्रू रीच नहीं कर सकते, ए इज अनरीचेबल. सो दैट्स व्हाई इट इज, अब ये स्ट्रक्चर तो कनेक्टेड दिख रहा है आपको क्योंकि सारे एजेस तो आपने लगा रखी है, बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड बिकॉज इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. तो डायरेक्टेड के केस में आपको वर्ड कौन सा यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड. ठीक है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड दैट इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ. ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है आपका, दैट इज ऑल्सो. ठीक है, एंड इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड. तो जनरली अनडायरेक्टेड ग्राफ में स्ट्रॉन्गली वर्ड यूज करने ही नहीं है आपको. ठीक है, सो व्हाट इज द पॉइंट, पॉइंट हम ये लिख सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ इफ इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड, is strongly connected if there is directed path between every pair of directed path between every pair of vertices of the graph. Got it. हर पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में एक डायरेक्टेड पाथ होना चाहिए. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ए के, ए और बी के बीच में भी पाथ है, ए और सी के लिए भी है, ए और डी के लिए भी है. सेम बी से भी सारे पाथ है, डी से भी है, सी से भी है. सो दैट इज दी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड. क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन है, हाँ लिख लीजिए. कल की पीपीटी शायद पीडीएफ आपको मैंने शेयर नहीं की है क्या? कल वाली नहीं आई है क्या? नो सर. चलिए तो आज इन दोनों के साथ में ये पीडीएफ एक साथ शेयर कर दूंगा. थैंक यू सर. ओके, नाउ एक क्वेश्चन दिया है आपको, लेट जी बी आर्बिट्री ग्राफ, जी बी आर्बिट्री ग्राफ विथ एन नोड, एन नोड्स, के कंपोनेंट्स, एन नोड्स के कंपोनेंट्स. ठीक है, and if a vertex is removed, if a vertex is removed from G, then the number of, then the number of component in resultant graph, number of component in resultant graph must lie between, must lie between range क्या होगी आपकी component की, first option k and n, second k minus 1 and n minus 1, third k plus 1 and n plus 1, sorry k plus 1 and k n minus k, k plus 1 n minus k, and the last one is k minus 1 and k plus 1. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक कोई भी एक ग्राफ है आपका जिसमें n नोड है और k कंपोनेंट है, अगर उस ग्राफ में से एक वर्टेक्स में रिमूव कर देता हूं तो जो रिजल्टेंट ग्राफ बनेगा आपका उसमें कंपोनेंट की रेंज क्या होगी, यानी मिनिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने. जब भी रेंज की बात करते हैं यानी मिनिमम से मैक्सिमम पूछ रहे हैं आपसे.
तो केसेस आपको देखना है कि मिनिमम व्हाट कंपोनेंट किस टाइप के ग्राफ से बन सकते हैं और मैक्सिमम कंपोनेंट किस टाइप के ग्राफ से बन सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, सो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का गलत है, कुछ का सही आ रहा है। देखिए क्या है इसका क्वेश्चन, क्या है आपका कि नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अगर हम बात करें, ठीक है, कोई भी एक ग्राफ है जिसमें के कंपोनेंट है और एन वर्टेक्स है, अगर एक वर्टेक्स रिमूव करते हैं, तो देखिए जनरली आप किसी कनेक्टेड पार्ट में से अगर कोई वर्टेक्स रिमूव करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने ऐसा वर्टेक्स रिमूव किया जो आपका नंबर ऑफ वर्टेक्स को डायरेक्टली क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और अगर वो वर्टेक्स रिमूव करने से ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया कंपोनेंट में, तो आपके कंपोनेंट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर है? सो इट मे बी पॉसिबल कि आपका एक केस ऐसा हो कि जहां पे एक वर्टेक्स को रिमूव करने से नंबर ऑफ कंपोनेंट इंक्रीज हो गए, और एक केस ऐसा है कि जहां पे वर्टेक्स को रिमूव किया और कंपोनेंट भी कम हो गए। वो कब होगा? जब वो वर्टेक्स ही एक कंपोनेंट को पार्टिसिपेट कर रहा हो, जैसे हमने नल ग्राफ देखा था। क्लियर? तो लाइक दैट ग्राफ, ये ग्राफ ले लिया मैंने, दैट इज जी। अब इसमें एन की वैल्यू क्या है, 5, और के की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे 5 वर्टेक्स है, v1 v2 v3 v4 एंड v5। अब वो बोल रहा है कि जस्ट रिमूव अ सिंगल वर्टेक्स फ्रॉम दिस ग्राफ। सो कोई भी एक वर्टेक्स हमने रिमूव कर दिया, लाइक v5 रिमूव कर दिया, तो ग्राफ क्या बचा आपका, v1 v2 v3 एंड v4। ठीक है, 4 वर्टेक्स बचेंगे आपके, कोई भी 4 वर्टेक्स आपने यहाँ पे जो लिख दिए, दैट इज दिस, 5 को रिमूव कर दिया। तो पहले आपके कंपोनेंट 5 थे, अब कंपोनेंट कितने हो गए, 4 हो गए, यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो गया, मैक्सिमम अगर हम बात करें कि अगर एक वर्टेक्स को रिमूव करने से कंपोनेंट एक से ही डिक्रीज हो सकता है, एक से ज्यादा पॉसिबल है क्या आपका, यानी एक वर्टेक्स को रिमूव करने से कभी भी कंपोनेंट में डिक्रीमेंट, मैक्सिमम डिक्रीमेंट जो है वो 1 ही हो सकता है। गॉट इट?
और वो भी कब होगा, जब आपका इस टाइप से कोई ग्राफ है और जिसमें एग्जैक्टली एक वर्टेक्स अलग जा रहा है आपका और वो कंपोनेंट बना रहा है और उसी वर्टेक्स को आपने रिमूव कर दिया. सो मिनिमम आपका कितना आ सकता है, के माइनस वन, इससे कम पॉसिबल नहीं है. तो आपका ऑप्शन या तो बी या डी में से एक होगा, ए और सी तो रिजेक्ट हो गए आपके. नाउ मैक्सिमम की हम बात करें, तो मैक्सिमम किस टाइप का ग्राफ लेके मैक्सिमम कंपोनेंट बन सके, तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे इसमें लिख रहा है एन माइनस वन और ये लिख रहा है के प्लस वन, यानी कि एक वर्टेक्स को रिमूव करने से या तो कंपोनेंट एक से इंक्रीज होगा या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि जितने वर्टेक्स है उसमें से एक वर्टेक्स रिमूव कर दिया तो डेफिनेटली एक वर्टेक्स तो कम हो गया, बचे कितने एन माइनस वन वर्टेक्स, और जितने वर्टेक्स बचे वो सारे ही कंपोनेंट है. इसका मतलब क्या हुआ आपका, जब एक वर्टेक्स रिमूव करेंगे आप तो एन माइनस वन वर्टेक्स बचेंगे और उन सारे वर्टेक्स को कंपोनेंट बोल रहा है. कब पॉसिबल है, किस टाइप के ग्राफ के लिए, क्या ये पॉसिबल है या पॉसिबल ही नहीं है. तो देखिए इफ यू ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अगर हम इस वर्टेक्स को रिमूव करते हैं, रिमूव दिस, अभी इस ग्राफ में कंपोनेंट कितने हैं, एग्जैक्टली एक कंपोनेंट है क्योंकि सारे कनेक्टेड है. अब आप 8 वर्टेक्स को रिमूव कर देंगे तो ये सारे वर्टेक्स क्या हो गए, डिसकनेक्टेड, ठीक है, तो कितने कंपोनेंट हो गए, दैट इज 7 कंपोनेंट. सो पहले 8 थे, मतलब 8 वर्टेक्स थे, अब 7 वर्टेक्स है और सारे वर्टेक्स क्या है, कंपोनेंट है, यानी कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, n माइनस 1 तक. सो बी इज द राइट आंसर. इट इज क्लियर? यस सर. ओके, सो दैट इज द एग्जांपल. अब देखिए मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो आपको क्लियर होगा कि ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये बोल रहा है कि मिनिमम k माइनस 1 हो रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी ग्राफ से एक वर्टेक्स रिमूव करने से कंपोनेंट भी कम होंगे. तो हम ऑलरेडी नल ग्राफ देख चुके हैं जिसमें कोई एजेस नहीं है और उसका हर वर्टेक्स कंपोनेंट कहलाता है, जो हमने डिस्कस किया था. तो उस टाइप के ग्राफ से एक वर्टेक्स रिमूव किया तो एक कंपोनेंट कम हो जाएगा. क्लियर? सो दैट इज द कंडीशन, इस तरीके से होगा आपका. अब मान लीजिए आपका ये केस भी कहीं बन रहा होगा किसी ग्राफ के लिए, लेकिन जब आपका ऑलरेडी मैक्सिमम रेंज मिल रही है हमें, तो हम इस पे क्यों जाएंगे. क्लियर? और एन तो पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा आपका. गॉट इट? चलिए एक क्वेश्चन और कंपोनेंट पे दिखा. हाउ मेनी अनडायरेक्टेड ग्राफ, how many undirected graph not necessary connected, how many undirected graph can be constructed out of given set V equals to V1, V2, V3 up to Vn of n vertices, given set of n vertices. First option, n square, n into n minus 1 by 2. C, n minus 1. Sorry, that is... Just a minute. 2^n, ठीक है, और n 2^n into n minus 1 by 2. How many undirected graph बनानी है आपको. जरूरी नहीं है कि वो connected हो, disconnected भी चलेंगे. टोटल एन वर्टेक्स है, एन वर्टेक्स से आपको ग्राफ बनाने हैं, तो टोटल कितने ग्राफ आप डिजाइन कर सकते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट ग्राफ यू कैन कंस्ट्रक्ट फ्रॉम एन वर्टेक्स.
कोई भी एक एग्जांपल लेके आप रन कर लें, यू कैन आल्सो रन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. देखिए सिंपल सा लॉजिक क्या दिया है आपको, टोटल एन वर्टेक्स है. अच्छा किसी भी ग्राफ, नंबर ऑफ ग्राफ अगर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मैं दो डिफरेंट ग्राफ को अगर सेम हम बोल रहे हैं कि एक सेट का वर्टेक्स है और उससे आप दो ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ को डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे करते हैं आप, यानी दो ग्राफ को अलग अलग ग्राफ कब बोलेंगे, एजेस के बेसिस पे. एग्जैक्टली अब यहां पर आपका लॉजिक जो है दैट इज जस्ट अ सेट थ्योरी, सेट थ्योरी का लॉजिक आपका यहाँ पे लगने वाला है. आपके पास n वर्टेक्स का सेट है, v1, v2, v3, up to vn, n वर्टेक्स का सेट है आपके पास, क्लियर है. अब हमें यहाँ पर n वर्टाइसेस में क्या बोल रहे हैं कि कितने ग्राफ बना सकते हैं आप, तो n वर्टेक्स के बीच में हम क्या बोल रहे हैं कि एजेस कितनी आ सकती है आपकी मैक्सिमम, तो कंप्लीट ग्राफ का जो फॉर्मूला आपने लिखा है n into n minus 1 by 2. n वर्टेक्स में इतनी एजेस आ सकती है, और हर एज के लिए दो चॉइस है, या तो उसको सिलेक्ट करें या नहीं करें. अरे सिलेक्ट करेंगे तो वो कनेक्टेड में काउंट होगा, नहीं करेंगे तो डिसकनेक्ट हो जाएगा. तो हर एज के लिए टू चॉइस है, यानी कि टोटल कितने ग्राफ बनेंगे, 2^n (n-1)/2 डी. फिर अगर आपने यहां पे ग्राफ लिया दैट इज ए बी सी डी, ठीक है, इसका कंप्लीट ग्राफ कितनी एजेस होगी, 6 एजेस. अब हम बोल रहे हैं कि ये 4 वर्टेक्स है आपके, या तो मैंने एक भी एस सिलेक्ट नहीं करी तो एक ग्राफ बन गया आपका, या फिर इन 4 वर्टेक्स पे मैंने एक एस सिलेक्ट कर ली या दो एस सिलेक्ट कर ली तो एक ग्राफ बन गया, ठीक है. तो हर एक एज के लिए दो चॉइस है आपके पास, या तो इस एज को सिलेक्ट करूं या नहीं करूं. तो डेफिनेटली आपको टोटल सबसेट्स जो एजेस के बन रहे हैं दैट इज द नंबर ऑफ ग्राफ, क्योंकि वर्टेक्स तो हमेशा लेने हैं चार के चार, आपको यहाँ भी 4 लिए, यहाँ भी 4, यहाँ पे 4, तो n वर्टेक्स है, तो सारे n वर्टेक्स हर ग्राफ में होंगे, तो n का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं आपका, कॉम्बिनेशन किसका है, एजेस का. बट एजेस यहाँ पे नहीं दिए तो एजेस कैसे निकालेंगे, दैट इज एज, यानी अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2^e, ठीक है. सेम क्वेश्चन आपका गेट में, देखिए ये क्वेश्चन गेट में आया, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको रिपीट करके क्वेश्चन पूछा है गेट में कि इफ देयर आर मैक्सिमम ई एजेस इज पॉसिबल इन द ग्राफ देन हाउ मेनी डिफरेंट ग्राफ इज पॉसिबल, सो आंसर इज 2^e, क्लियर है. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एजेस कंप्लीट ग्राफ की कितनी होती है, n(n-1)/2, उस वहां पे डायरेक्ट आपको बोल दिया कि मैक्सिमम एजेस इज e, देन हाउ मेनी ग्राफ, तो दैट इज 2^e, दैट इज इक्विवेलेंट टू 2^e, गॉट इट, यस सर, ओके. सो दैट इज टोटल मैक्सिमम जो आपके ग्राफ होंगे इन दिस केस, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे. चलिए सो दैट ये हमने देखा कनेक्टेड डिसकनेक्टेड स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ ग्राफ, ऑपरेशन ऑन अ ग्राफ. अगर ग्राफ पे आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं लाइक जो नॉर्मल सेट थ्योरी के ऑपरेशन हम यूज करते हैं, वो ऑपरेशन हम परफॉर्म करें अगर ग्राफ पे, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज. सो द फर्स्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ. देखिए किसी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, कोई एक ग्राफ दिया है आपको और बोला है कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट ग्राफ. सो कॉम्प्लीमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम सेट थ्योरी में बोले तो हम क्या बोलते हैं कि यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट वर्ड को कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर मान लीजिए एक ग्राफ दे दिया मैंने लाइक हाँ करेक्ट, मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया लाइक दिस दैट इज जी, वॉट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी, तो हम क्या बोलेंगे जी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कंप्लीट ग्राफ ऑफ जी, ठीक है, कंप्लीट ग्राफ ऑफ जी
माइनस जी माइनस जी दैट इज दिस. सो व्हाट इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ जी दैट इज दिस माइनस ग्राफ जी. ये माइनस कर दिया ठीक है. इसको जस्ट नंबर दे देते हैं ए बी सी डी. सो आपका क्या बचेगा ये दोनों एजेस ए सी बी डी. क्लियर है. सो कंप्लीट ग्राफ ऑफ जी यानी हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट मतलब सबस्ट्रैक्ट द ग्राफ फ्रॉम इट्स कंप्लीट ग्राफ. ठीक है. सो सबस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है वर्टेक्स तो सारे रहेंगे. वर्टेक्स कभी भी कोई भी ऑपरेशन आप यूज करें वर्टेक्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा. सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है सिर्फ एज पे. तो एज पे परफॉर्म किया हमने तो टोटल ग्राफ में जितनी एजेस थी कंप्लीट ग्राफ में उसमें से आपने वो वाली एजेस रिमूव कर दी बची हुई एजेस यहां पर आ गई उसके कॉम्प्लीमेंट. तो एजेस का सब्सट्रैक्शन होगा वर्टेक्स का कभी नहीं होगा. गॉट इट. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ में हम क्या बोलेंगे सब्सट्रैक्ट द एज फ्रॉम द कंप्लीट ग्राफ from the complete graph of the given graph. ठीक है. तो complete graph में से given graph की edges subtract कर दें तो जो बचा हुआ है वो आपका complement बन जाएगा. तो देखिए ये graph connected है क्या आपका it is connected or not? No sir. ये जो result आया it is connected or not? No, sir. Definitely not connected. ये भले ये जैसी ये इसको equivalent आप बना सकते हैं like this. That is AC and BD. दो edges से separate दो component बन रहे हैं आपके. Clear है? So that is this. तो अगर आपका graph connected है, तो उसका complement जो आएगा, वो connected भी हो सकता है और disconnected भी हो सकता है. मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ही disconnected हो. Like देख ये example लिखा हमने. अब मान लीजिए हमने एक ग्राफ कोई भी आप कंप्लीट ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ लें और अगर उसका जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या रहे डिसकनेक्टेड. तो कि इसी में आप देख सकते हैं कि मान लीजिए एक एज में कोई सी भी रिमूव कर दूं लाइक दिस. अगर मान लीजिए आपने ग्राफ ये ले लिया दैट इज ए बी सी एंड डी. ठीक है. सो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ जी. जी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा कंप्लीट ग्राफ में से ये फोर वर्टेक्स है. ठीक है. ये एजेस नहीं लेनी है बाकी सारी एजेस दैट इज दिस दिस एंड दिस. ये सारी एजेस ले ली हमने तीन एजेस रिमूव कर दी हमने ए बी ए डी और बी सी. सो इट इज कनेक्टेड. ये कनेक्टेड है आपका. ठीक है. सो इफ ग्राफ इज कनेक्टेड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज मे और मे नॉट बी कनेक्टेड. वो कनेक्टेड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है जरूरी नहीं है. ठीक है. तो पहला पॉइंट तो हमने ये लिख दिया if graph is connected then its complement is may or may not be connected. ठीक है. हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर ग्राफ आपका डिसकनेक्टेड है अगर ग्राफ डिसकनेक्टेड है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे आप तो वो 100% कनेक्टेड आएगा आपका. ठीक है. पहले पॉइंट लिख लेते हैं. इफ ग्राफ इज डिसकनेक्टेड देन इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 100% कनेक्टेड. ठीक है. लाइक एग्जांपल अगर देखें आप डिसकनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं दैट इज ए बी सी डी. ये डिसकनेक्टेड हो गया दो कंपोनेंट एक में ए बी सी है और सेकंड में डी है. व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट दैट इज जी. जी कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा तो हम क्या बोल रहे हैं कंप्लीट ग्राफ में से माइनस कर दिया आपने इसको. ठीक है. सो क्या आएगा आपका दैट वर्टेक्स तो सारे लिखने ही आपको that this 2H फिर ये H और ये H that is connected. Clear?
सो ये हमेशा वैलिड होगा, कोई भी एग्जांपल लेके आप प्रूफ कर सकते हैं. सो ग्राफ अगर कनेक्टेड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मे और मे नॉट भी कनेक्टेड, और ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 100% कनेक्टेड होगा. अब देखिए इसमें जस्ट ये तो पहला ऑपरेशन हमने देख लिया, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट. नाउ सेकेंड ऑपरेशन, यूनियन ऑफ ग्राफ. यूनियन कैसे निकालेंगे ग्राफ का यूनियन? तो देखिए आपको जस्ट इसमें क्या होता है, यूनियन ऑफ ग्राफ में या तो अगर आपको दो ग्राफ दिए और पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ग्राफ ऑफ यूनियन, तो वो आप निकाल लेंगे, या फिर डायरेक्टली इसमें सेट के ऊपर, यानी कि आपको अगर बोला है कि एफ दो ग्राफ है जी वन इक्वल्स टू वी वन कॉमा ई वन, दैट इज टू से एलिमेंट, एंड जी टू ग्राफ में आपने बोल दिया दैट इज वी टू कॉमा ई टू. नाउ व्हाट इज जी वन यूनियन जी टू? जी वन यूनियन जी टू क्या आएगा? सो जी वन यूनियन जी टू इज द यूनियन ऑफ दिस टू वर्टेक्स वी वन यूनियन वी टू, सारे वर्टेक्सेस प्लस सारी एजेस, दैट इज द यूनियन. सिंपल लॉजिक है, यूनियन का सारे वर्टेक्स भी लेना है और सारी एजेस भी कंसिडर करना है आपको. सो लाइक देखिए अगर एक एग्जाम्पल से हम इसको देखते हैं, दैट इज वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर, ठीक है, that is e1 e2 e3 e4 edges, that is the graph g1 and the graph is v2 v3 v5 v6 and v4. ठीक है, एजेस आपने ले ली यहां पर, दैट इज e4 e8 e5 6 7 एंड 8. ठीक है, 3 तक यहां ली थी हमने, 4 4 4, दैट 5 6 7 8, गॉट इट. नाउ दैट इज g2. नाउ व्हाट इज g1 यूनियन g2? g1 यूनियन g2 क्या आएगा आपका? तो देखिए हमने क्या बोला, सारे वर्टेक्स का यूनियन, तो पहले तो सारे वर्टेक्स बना दिया आपने, तो हम यहाँ पे जो कॉमन वर्टेक्स है, यूनियन की जो प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वो यूज करना ही है, अगर कोई वर्टेक्स कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखेंगे आप. ठीक है, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है v2, पहले तो पहला ग्राफ आपने एज इट इज यहाँ पर वर्टेक्स लिख दिए 1 2 3 v1 v2 v3 एंड फोर्थ ग्राफ है आपका v4, वो यहाँ पे बना दिया आपने. नाउ यहाँ पर 2 3 और 4 तो कॉमन ही है, तो 2 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या बचा 5 और 6, 5 और 6 यहां पे लिख दिया हमने, गॉट इट. नाउ अब एजेस, तो पहले ग्राफ की सारी एजेस हमने बना दी, दैट इज e1 e2 e3 e4 ये बन गई. नाउ अब यहां से आपने लिया, तो फर्स्ट एज है e4 जो ऑलरेडी कंसिडर है, दोनों कॉमन है तो एक ही बार लेना है आपको. 2 और 3 के बीच में आपका E2 एज था पहले, यहाँ पे क्या लिखा है E8, बोथ एज आर डिफरेंट, सो दोनों ड्रॉ करनी है क्योंकि यूनियन ले रहे हैं आप एजेस का, तो 2 और 8 दोनों एजेस आएगी. नाउ 2 और 5 में एक ही एज है 5, दैट इज 6 एंड दैट इज 7, दैट इज द यूनियन ऑफ दिस टू ग्राफ. क्लियर है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. तो देखिए अब यूनियन से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर दोनों ग्राफ में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है तो यूनियन क्या होगा. अगर यूनियन हम ले रहे हैं जिस ग्राफ का उसमें, यस, सो दो अगर
आपके कनेक्टेड ग्राफ है और उनका यूनियन ले रहे हैं और देयर इज नॉट एनी कॉमन वर्टेक्स, देन आपका जो यूनियन होगा वो डिसकनेक्टेड होगा, दैट कंटेन टू कंपोनेंट, दोनों ग्राफ एज अ कंपोनेंट आ जाएंगे उसमें। और अगर एक भी कॉमन वर्टेक्स है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कनेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? अगर एक सिंगल वर्टेक्स भी कॉमन है तो वो कनेक्टेड रहेगा आपका। कंपोनेंट सर दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं ना उसके? दो से ज्यादा जब होंगे जब आपका इनपुट ग्राफ में ही कंपोनेंट ज्यादा हो। यस सर। यानी कि मान लीजिए ये G1 और G2 कनेक्टेड है तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, बट मान लीजिए G1 में दो कंपोनेंट है, G2 में 5 कंपोनेंट है, तो फिर सारे मिलके या तो अगर कॉमन है तो कुछ कम होंगे, नहीं तो 5+2=7 कंपोनेंट हो जाएंगे। यस सर। गॉट इट? सो जस्ट हम पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ देयर इज नॉट एनी कॉमन वर्टेक्स, there is not any common vertex between two graph, then it is, then union of graph is disconnected. ठीक है, वो disconnected होगा। अब कितने कंपोनेंट होंगे तो मिनिमम तो दो होने ही है, और अगर इनपुट में ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर? तो दैट इज द यूनियन। नाउ सेकंड, इंटरसेक्शन, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी इज द इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन में क्या होगा, अगेन अगर एक ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स है V1 E1 वर्टेक्स एंड एजेस, G2 ग्राफ में आपका दैट इज V2 E2, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ G1 इंटरसेक्ट G2, क्या इक्वेशन बनेगी? तो देखिए G1 इंटरसेक्ट G2 की इक्वेशन जो होगी आपकी, अगेन इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हमने एक पहले ही पॉइंट बोल दिया था कि वॉट एवर यू ऑपरेशन परफॉर्म, हम क्या बोल रहे हैं कि वहां पर आपका वर्टेक्स तो सारे आने, ठीक है, यानी कि V1 यूनियन V2 तो करना ही आपको, चाहे आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं वर्टेक्स का तो यूनियन लेंगे हम। अब इंटरसेक्शन कहाँ करेंगे हम, एजेस पे। सो इंटरसेक्शन इज परफॉर्म ऑन दी एजेस, A1 इंटरसेक्ट E2। क्लियर? सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ अगेन सेम ग्राफ अगर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, V1 V2 V3 दैट इज V4, ठीक है, सो E1 E3 E2 E4 एंड दैट 2 3 4 5, सॉरी That is 5 6, और यहां पे 4 ले लिया हमने, दैट इज E4 कॉमन, या E8 ले लिया आपने, दैट इज E1 सॉरी E5 6 एंड 7। नाउ G1 इंटरसेक्ट G2, तो अगेन क्या बोला, सारे वर्टेक्स तो लिखने ही आपको, सो दैट इज 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6 वर्टेक्स पहले ड्रॉ कर दिए हमने, बिकॉज वर्टेक्स तो सारे चाहिए हमें। नाउ एजेस की बात करें हम, तो जो कॉमन एजेस है वही लेना है आपको, तो कौन सी एज कॉमन है बताइए, दोनों ग्राफ में कॉमन एज क्या है, दैट इज E4 ओनली, 2 और 4 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब देखिए 1 और 2 के बीच में E1 एज है, और यहां पे 1 और 2 यानी डेफिनेटली वर्टेक्स 1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कोई वहां तो ये जाना नहीं है आपके। 2 और 3 कॉमन था आपका, तो 2 और 3 में यहाँ E2 है और यहाँ पे E8 है, तो डेफिनेटली दोनों ही एजेस नहीं आएगी आपकी, क्योंकि वहां पर आपका इंटरसेक्शन हो रहा है एजेस का। तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हो रहा है कि अगर आपके वर्टेक्स कॉमन है या नहीं भी है तो भी ग्राफ डिसकनेक्ट आ सकता है। क्लियर है ना पॉइंट? अगर मान लीजिए वर्टेक्स कॉमन ही नहीं है तो फिर तो डिस्कनेक्ट आना ही है, वो ग्राफ क्या बनेगा आपका,
if there is not any vertex common, then how many component? Bataiye. Jitne vertices rahenge utne component aa jayenge. जितने वर्टेक्स रहेंगे उतने कंपोनेंट, क्योंकि एक भी एज नहीं आनी है. अगर वर्टेक्स कॉमन नहीं है तो एज तो 100% कॉमन नहीं होगी. अगर वर्टेक्स कॉमन है तो उस ग्राफ का कनेक्टेड होने का चांस है, वो भी कब, जब सारे वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी एजेस भी कॉमन हो, तो एग्जैक्टली वो कभी ग्राफ आ जाएगा आपका. अदरवाइज क्या होगा आपका उस केस में, द ग्राफ इज डिसकनेक्टेड. ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए जितने वर्टेक्स कॉमन है उनकी एजेस सेम भी ले ली हमने, यहाँ E4 लिखा और यहाँ पे E2 लिख देता अगर मैं 8 की प्लेस पे, तो एक एज और आ जाती. बट जो अनकॉमन वर्टेक्स है वो डेफिनेटली आपके डिसकनेक्टेड रहेंगे. कितना सोना मत करो फोन है. ठीक है, सो दैट इज दिस. सो एक पॉइंट आप सिंपल सा क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ. ठीक है, अगर द वर्टेक्स कॉमन है या नहीं है वो तो पॉइंट आपने खत्म ही हो गया. हम क्या बोल रहे हैं, इफ देयर इज नॉट एनी कॉमन वर्टेक्स बिटवीन टू ग्राफ, देन टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस या टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज v1 प्लस v2. ठीक है, दैट इज कॉल्ड v1 प्लस v2. सो दैट सिंपल पॉइंट क्या लिख देंगे हम, if there is not any common vertex, there is not any common vertex between g1 and g2, then total component in g1 intersect g2 is equals to v1 plus v2. Got it? Yes, sir. Sare vertex ka sum. Aur definitely ye point likha hai, iska matlab graph kya hai aapka, disconnected. Theek hai, now the next operation is, ये लिख लिया कंप्लीट है. यस, द नेक्स्ट वन इज रिंग सम ऑफ ग्राफ. रिंग सम ऑफ ग्राफ, देखिए रिंग सम का मतलब क्या है, मतलब जैसे हम यूनियन इंटरसेक्शन कर रहे हैं उसी तरीके से रिंग सम. ओके, यूनियन वाली स्लाइड देख लीजिए. डन शिवानी. तो रिंग सम का मतलब ये होगा आपका कि जैसे आप दो ग्राफ के बीच में यूनियन और इंटरसेक्शन परफॉर्म कर रहे थे, एग्जैक्टली उसकी तरह आपको क्या करना है, रिंग सम. दैट नोटेशन इज दिस. ठीक है, सो रिंग सम का मतलब है आपका, जैसे आप नॉर्मल कोई भी सिमेट्रिक डिफरेंस हम फाइंड करते थे उसकी तरह करना है आपको. तो क्या होगा, दैट इज g1 में मान लीजिए वर्टेक्स है आपके v1 e1 वर्टेक्स एंड एजेस, और g2 में आपका दैट इज v2 e2. Then g1 ring sum g2 बनेगा आपका. अगेन देर इज यूनियन बिटवीन दी वर्टाइसेस, वर्टेक्स के बीच में कुछ भी नहीं करना है आपको, सारे वर्टेक्स लेने. एजेस में आपका क्या है, दैट इज e1 यूनियन e2 माइनस e1 इंटरसेक्शन e2. यानी कोई भी कॉमन एज नहीं लेना है, बाकी सारी एजेस ले लेंगे. यानी एजेस ऑफ ग्राफ g1 प्लस एजेस ऑफ ग्राफ g2 दोनों की एजेस लेना है, और इफ देर इज एनी कॉमन एज देन रिमूव दैट. So that is symmetric difference between two set. ठीक है, symmetric difference का यही formula होता है हमारा, union minus intersection. So just इस तरीके से आप calculate करेंगे. देखिए आपका graph जो हमने previous slide पे बनाया, ठीक है वही graph के लिए हम design कर लेंगे ताकि हम उसको compare कर सकें. That is 1, 2, 3.
एंड फोर टू थ्री दैट इज वी फोर फाइव एंड सिक्स एजेस का नेम है यहां से फोर वन टू इसको थ्री बोल देते हैं दैट इज फोर एट सेवन सिक्स फाइव ठीक है कुछ भी रखे हमें जस्ट कॉमन वाला देखना है सो इस केस में हम क्या बोल रहे हैं द ग्राफ इज अगेन सारे वर्टेक्स वन टू थ्री फाइव सिक्स एंड फोर क्लियर है एजेस कौन कौन सी आएगी सो एजेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं जो कॉमन एज है वो नहीं लेना है तो कॉमन एक ही एज दिख रही है ई फोर बाकी सारी एजेस लेंगे आप दैट इज ई वन ठीक है ई टू ई थ्री और इसी के बीच में ई एट ई सेवन सिक्स फाइव अब वी फोर आपका डिस्कनेक्ट हो गया क्लियर है क्योंकि वी फोर और वी टू में एज जो थी वो कॉमन एज है आपकी दैट्स व्हाई इट इज डिस्कनेक्टेड ठीक है तो अगर ग्राफ को कनेक्टेड बनाना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए ग्राफ किस केस में कनेक्टेड होगा एक भी कॉमन नहीं हो और एक और पॉइंट बोलना पड़ेगा इसके साथ हमें एजेस तो कॉमन नहीं है बट वर्टेक्स तो चाहिए कॉमन यस सर नहीं तो डिस्कनेक्ट ही रहेगा फिर वो करेक्ट है ना एक भी एज कॉमन नहीं हो एंड एटलीस्ट वन वर्टेक्स कॉमन हो तभी तो दो ग्राफ कनेक्टेड बनेंगे अदरवाइज अगर आपका वर्टेक्स ही डिफरेंट हो गए तो वो तो दोनों सेट ही अलग हो जाएंगे क्लियर सो देयर इज नॉट एनी कॉमन एज बिटवीन द ग्राफ एंड वर्टेक्स एटलीस्ट वन वर्टेक्स मस्ट बी कॉमन ठीक है सो पॉइंट क्या लिखेंगे आप रिंग सम ऑफ ग्राफ इज कनेक्टेड इफ देयर इज नॉट एनी कॉमन एज देयर इज नॉट एनी कॉमन एज एंड at least one common vertex got it इस केस में होगा आपका तो ये तो हमने देखे डिफरेंट टाइप जो आपके ऑपरेशंस हैं ठीक है दैट इज दिस इसके अलावा यहाँ पर जो ग्राफ पे हम परफॉर्म करते हैं चलिए उस प्रॉपर्टी के पहले हम ये लिखा आपने सबने यस सर डन यस सर ओके क्वेश्चन है इफ जी इज सिंपल ग्राफ विथ 15 एजेस जी सिंपल ग्राफ विथ 15 एजेस एंड जी कॉम्प्लीमेंट हैज 13 एजेस then how many vertices in G कितने vertex होंगे G में that is the question
ग्राफ में वर्टेक्स कितने होंगे? किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कब निकालते हैं? उसकी एजेस को कंप्लीट ग्राफ में से माइनस करते हैं। अब हमें पता है कि एक सेट है आपके पास और एक उसका कॉम्प्लीमेंट है। जब सेट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को एड कर दोगे तो आपका यूनिवर्सल बन जाएगा, ठीक है। एक सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर ऐड करेंगे तो जितने एलिमेंट रिजल्ट में आएंगे वो आपके यूनिवर्सल सेट के इक्विवेलेंट होंगे। तो यहाँ पे एजेस ग्राफ की भी दी हुई है, ग्राफ की एजेस कितनी है 15 और कॉम्प्लीमेंट की एजेस कितनी है 13, तो कंप्लीट ग्राफ में एजेस कितनी होगी? तो दैट इज जी प्लस जी कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 15 प्लस 13 28, तो टोटल एजेस 28 है कंप्लीट ग्राफ की। वर्टेक्स फाइंड करना है तो एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 28। Just find the value of n. So, या तो आप यहाँ पर randomly n की value put करके देखें या quadratic equation को solve करके देखें, तो जो positive value आएगी that is the answer. So, n की value 8 रख के आप देखेंगे आप यहाँ पे, so that is correct. 8 into 7 by 2, that is 28. ठीक है, 8 7 जा 56 divided by 2 is 28. So, answer is 8. Number of vertex is 8. Got it? So number of vertices is 28, so 8. Now, the next property हम देख रहे हैं, decomposition of graph. Decomposition of graph. डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? आपको एक ग्राफ को ब्रेक करना है दो सब ग्राफ में, ठीक है, और डीकम्पोजिशन इस तरीके से होना चाहिए आपका। लाइक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट जी बी अ ग्राफ एंड जी बी अ ग्राफ एंड जी वन एंड जी टू are two decomposition of graph if G is a graph and G1 and G2 are two decomposition of graph G if G1 union G2 is original graph and G1 intersect G2 is null graph. यानी कि दो ग्राफ, एक ग्राफ दे दिया आपको और दो उसके डिकम्पोजिशन दे दिए और पूछा है कि इट इज डिकम्पोजिशन और नॉट, तो हम क्या बोलेंगे कि जब उन दोनों का यूनियन करें आप तो ओरिजिनल ग्राफ मिले और जब आप इंटरसेक्शन करें तो नल ग्राफ मिले। क्लियर है? तो फिर उस कंपोनेंट को जो आपके डीकम्पोजिशन ग्राफ है उनको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द डीकम्पोजिशन। उन सब ग्राफ को आप डीकम्पोजिशन बोलेंगे। तो जस्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं, दैट इज वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड वी फाइव, दैट इज फाइव वर्टेक्स, ठीक है, इन द ग्राफ जी। Now, एक डिकम्पोजिशन, एक सब ग्राफ लिखा मैंने V1, V2, V3, ठीक है, दैट इज G1,
and G2 is V2, V3, V4, V5. क्लियर है? तो देखिए जब इन दोनों में यूनियन करेंगे आप, तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि दो ग्राफ में दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है, V2 और V3 है, और एक भी एज कॉमन नहीं है, तो एग्जैक्टली टोटल एजेस जो है वो आपके ओरिजिनल ग्राफ वाली आ जाएगी और सारे वर्टेक्स तो आएंगे, यानी इन दोनों का यूनियन G1 यूनियन G2 आपका एग्जैक्टली ग्राफ G बनेगा। और जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमने बोला कि यहाँ पे जब आपका कोई कॉमन एज ही नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या आने वाला है, आपका नल ग्राफ। ठीक है, दैट इज V1, V2, V3, V4 एंड V5, सो इंटरसेक्शन इज नल ग्राफ। क्लियर है? यूनियन आपका जी है एंड इंटरसेक्शन इज नल ग्राफ। सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी इस केस में हम क्या बोलेंगे, G1 एंड G2 इज द डीकंपोजिशन ऑफ G, G1 एंड G2 इज डीकंपोजिशन ऑफ G। जस्ट अ मिनट, ठीक है, सो दैट इज अ डीकंपोजिशन। नाउ एक प्रॉपर्टी यहां पर और होती है, दैट इज सबग्राफ, जो हमने यहां पे देखा डीकंपोजिशन के लिए। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सबग्राफ, सबग्राफ क्या होता है। सो सबग्राफ यानी कि वही सबसेट वाली बात बोलेंगे हम। ठीक है, तो सबग्राफ जनरली दो टाइप के होते हैं, किसी भी ग्राफ का सबग्राफ अब कब बोलेंगे, दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सबग्राफ। द फर्स्ट वन इज वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ, वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ, एंड द सेकेंड वन इज एज डिसजॉइंट सबग्राफ, एज डिसजॉइंट सबग्राफ। सो वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं, व्हाट इज द वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ। देखिए एज अ नेम क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि आप किसी भी ग्राफ का सबग्राफ यानी वर्टेक्स और एज डिसजॉइंट कब बोलेंगे हम, जब आप दो एग्जैक्टली ग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं, दो सबग्राफ को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टेक्स डिसजॉइंट सबग्राफ का मतलब ये हुआ आपका कि कोई भी दो सबग्राफ अगर आपने किसी ग्राफ के कैलकुलेट किए और उन दोनों में वर्टेक्स क्या हो, कॉमन नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट कॉमन एनी वर्टेक्स, then such type of subgraph is called vertex disjoint। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, let कोई भी ग्राफ है आपका g equals to v comma e be a graph and h equals to v1 e1 and k equals to v2 e2। ठीक है, एच एंड के बी, एच एंड के आर टू सब ग्राफ ऑफ जी। ठीक है, देन इट इज वर्टेक्स डिसजॉइंट, देन इट इज वर्टेक्स डिसजॉइंट इफ, इट इज वर्टेक्स डिसजॉइंट इफ V1 intersect V2 is equals to 5। अब देखिए vertex disjoint के लिए आपको सिर्फ ये एक condition देखनी है, ठीक है, कि दो graph subgraph अगर आपने निकाला है किसी graph का, तो दोनों का intersection क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अगर vertex का intersection 5 होगा तो edges का intersection क्या आएगा आपका, अगर दो graph के vertex का intersection 5 है तो edges का intersection क्या होगा, That is also five, definitely. तो vertex disjoint की property से हम क्या बोल रहे हैं कि edge भी क्या हो जाएगी आपकी by default disjoint हो जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, then it is clear, then it is clearly
E1 इंटरसेक्ट E2 5, ठीक है, क्लियरली E1 इंटरसेक्ट E2 क्या हो रहा है आपका 5 हो रहा है। सो यानी कि आपका वर्टेक्स की प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछा है, वर्टेक्स डिसजॉइंट की कंडीशन ये होती है, बट इसके साथ ये बाय डिफॉल्ट होल्ड होगी आपकी, करेक्ट। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं इसलिए उस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं हम, क्लियर है। दैट इज द ग्राफ, मान लीजिए एक आपने ले लिया, दैट इज दिस कंपोनेंट एच, के ले लिया हमने ये, ठीक है, दैट इज ए बी सी डी ई, ए बी ई डी एंड सी। सो डेफिनेटली एच और के में हम देखें तो सारे वर्टेक्स क्या है, फाइव है, और एजेस भी क्या है आपकी फाइव है, क्लियर है। सो हमें जस्ट ग्राफ को सब ग्राफ के लिए सिर्फ क्या चेक करना है कि वर्टेक्स का इंटरसेक्शन क्या हो, फाइव हो, तो बाय डिफॉल्ट एजेस का भी आपका फाइव आ जाएगा। क्लियर। नाउ सेकेंड, एज डिसजॉइंट। सो एज डिसजॉइंट में हम क्या बोलेंगे, अगेन अगर आपने लिया है ग्राफ जी वी कॉमा ई एंड एच इज वी वन कॉमा ई वन एंड के इज वी टू कॉमा ई टू, ठीक है, एच और के क्या है आपके सब ग्राफ है, तो एज डिसजॉइंट कब होंगे, वैन एज डिसजॉइंट वैन E1 intersect E2 is equals to 5, यानी edges का intersection 5 आना चाहिए। तो क्या vertex का intersection भी 5 होगा? No sir, वो भी सकता नहीं। That is not always true, ठीक है, यानी कि हम वो statement true नहीं बोल सकते, ठीक है। So that is the condition, ठीक है, but हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, but V1 intersect V2 is not 5. क्लियर है। सो इन दैट केस आप जस्ट कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्टेक्स का इंटरसेक्शन, अगर आप एजेस का इंटरसेक्शन क्या बोल रहे हैं आप फाइव ए, तो उस केस में वर्टेक्स का इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है कि फाइव, वी वन वी टू वी थ्री मान लीजिए ये ले लिया आपने, ठीक है। अब हम सेम थ्री वर्टेक्स को अलग अलग ग्राफ में डिजाइन कर सकते हैं, लाइक दैट वी वन वी टू वी थ्री, that is V1, V2 and V3, ठीक है। आपने यहाँ पे ये एज ले ली, that is this, like इसको नेम दे देते हैं E1, E2, E3, E4 and E5. यहाँ पे यूज की हमने E1 and that edge is E5. K में आपने ले लिया, like the structure is this, that is 3, 4 and ऑडेट। सो वर्टेक्स इज कॉमन, V1, V2, V3 सारे वर्टेक्स कॉमन है आपके, और एक भी एज कॉमन नहीं है, तो दिस टू सब ग्राफ इज कॉल्ड एज डिसजॉइंट। ठीक है, दिस टाइप से आपको एक ग्राफ दे दिया और ऑप्शंस में चार ऑप्शन में दो सब ग्राफ्स दिए हैं, पूछा है कि दैट इज एज डिसजॉइंट या वर्टेक्स डिसजॉइंट, ठीक है, या डायरेक्टली आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज डिसजॉइंट सब ग्राफ। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ सब ग्राफ। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, ये हुआ अपना यहां तक सब ग्राफ कंप्लीट, ठीक है। सो हमने लास्ट जो टाइप ऑफ ग्राफ में देखा था, दैट इज बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है, उसके बाद हमने ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ एंड सो ऑन ये सारी चीजें देखी, कनेक्टेड डिसकनेक्टेड भी देख लिया हमने। नाउ द नेक्स्ट इज यूलर ग्राफ। व्हाट इज द यूलर ग्राफ, यूलर ग्राफ क्या होता है आपका? सो देखिए
यूलर ग्राफ किस टाइप के ग्राफ को बोलेंगे हम, जब किसी भी ग्राफ के करस्पॉन्डिंग दो कंडीशन आपको चेक करनी रहेगी दैट यूलर ग्राफ में, ये ग्राफ क्या होगा, दैट डेफिनेटली कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है, ग्राफ क्या होना चाहिए, कनेक्टेड। तो यूलर ग्राफ की एक सिंपल कंडीशन है, एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड यूलर, एनी कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड यूलर इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स वर्टाइसेस, all its vertices are of even degree, all its vertices are of even degree, ठीक है। अब देखिए जनरली आपकी जस्ट ये एक प्रॉपर्टी से आप कोई भी ग्राफ देखें और बोले इट इज यूलर और नॉट यूलर, क्योंकि दैट इज सिंपल वे कि सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो क्या होगा, आपका यूलर ग्राफ होगा, ठीक है। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि ग्राफ इज यूलर और नॉट, तो आप इस प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यूलर ग्राफ में जनरली एक दो टर्म और देखी जाती है, दैट इज यूलर पाथ क्या होता है आपका, ठीक है, या व्हाट इज द यूलर साइकिल, ठीक है। तो एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके अलावा एक कंडीशन आप क्या बोल सकते हैं, और अ ग्राफ इज, ग्राफ इज कॉल्ड यूलर, ठीक है, इफ इट हैज, इफ इट हैज यूलर साइकिल एंड, ठीक है, अ ग्राफ इज कॉल्ड यूलर इफ इट हैज यूलर साइकिल एंड इट इज कॉल्ड सेमी यूलर, ठीक है। अब सेमी यूलर ग्राफ भी पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज द सेमी यूलर, सो इट इज कॉल्ड सेमी यूलर if it has Euler path, ठीक है। तो देखिए तीन टर्म दिख रही, यूलर ग्राफ तो आपसे बोला है ग्राफ है या नहीं, तो सारे वर्टेक्स की डिग्री है इवन है तो वो ग्राफ होगा, ठीक है। सेकेंड वे में हमने क्या बोला, ग्राफ इज कॉल्ड यूलर इफ इट हैज यूलर साइकिल, तो अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो 100% वहां पे साइकिल भी होगी, और अगर आपकी साइकिल या पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर सिर्फ पाथ एग्जिस्ट कर रहा है और वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेमी यूलर पाथ, ठीक है, सेमी यूलर ग्राफ। सो अब यूलर साइकिल का मतलब क्या होगा, यूलर साइकिल में हम क्या बोलते हैं यहां पर, या पाथ या साइकिल की डेफिनेशन आपसे पूछे तो हम ये बोल रहे हैं कि सारे वर्टेक्स जो होते हैं आपके, वो वर्टेक्स क्या होंगे आपके, कनेक्टेड होंगे, ठीक है, नॉन जीरो डिग्री वाले वर्टेक्स होने चाहिए, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जीरो नहीं होगी, ठीक है। एंड कंडीशन इज दैट कि वहां पर आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें सारे वर्टेक्स आपको एक पाथ ड्रॉ करना है, ठीक है, और पाथ में हम क्या बोल रहे हैं कि ईच एज ऑफ दैट पाथ इज इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वंस, एंड यानी कि हर एक एज को आपको एग्जैक्टली वंस करना है, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं, क्लियर है। और अगर साइकिल की बात कर देंगे हम तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वर्टेक्स क्या हो जाएंगे आपके, सेम हो जाएंगे। तो देखिए यूलर पाथ की डेफिनेशन हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट इज यूलर पाथ, यूलर पाथ के लिए कंडीशन है आपकी, अ ग्राफ हैज यूलर पाथ, ग्राफ हैज यूलर पाथ इफ 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 दैट पाथ इंक्लूड, इफ दैट पाथ इंक्लूड ऑल एज, all edges of graph exactly once, ठीक है, and vertex may be intersect more than once, vertex may be intersect more than once, सारी एजेस कवर करना है, मेन एम क्या है हमारा, एजेस कवर करना है, वर्टेक्स में भी इंटरसेक्ट मोर देन वन टाइम, क्लियर है।
तो वर्टेक्स एक्स से ज्यादा बार इंटरसेक्ट कर सकती है। और अगर आपका साइकिल कब बोल देंगे हम, जब वहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या हो जाएगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड यूलर साइकिल, गॉट इट। सो सेम यूलर साइकिल में हम क्या बोलेंगे, if starting and ending vertex same, in the Euler path, then it is Euler cycle. ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ये मान के चलना है कि कनेक्टेड ग्राफ क्या है आपका, हमेशा कनेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि अगर आप पाथ की बात कर रहे हैं और सारी एजेस कवर करनी है तो अगर कनेक्टेड नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जाना। तो सारे ग्राफ जो होंगे वो बाय डिफॉल्ट हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दैट इज दी कनेक्टेड, क्लियर है। अदरवाइज उस केस में आपका ना तो कोई ग्राफ होगा, ना साइकिल होगी, ना पाथ होगा, ठीक है। सो अब इसके लिए यूलर साइकिल के लिए कंडीशन क्या हो गई, यूलर साइकिल एक्सिस्ट कर रही है कि यूलर साइकिल है, ठीक है। और पहली कंडीशन जो आपने लिखी कि सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो डिग्री ऑफ ऑल वर्टेक्स मस्ट बी इवन, क्योंकि देखिए हमने यहां पे एक पॉइंट जो आपने लिखा है दैट इज दिस ग्राफ इज यूलर, ठीक है, इफ ऑल वर्टाइसेस इवन डिग्री एंड द ग्राफ इज यूलर इफ इट हैज अ यूलर साइकिल। तो यूलर साइकिल अगर एग्जिस्ट कर रही है वहां पे तो उसके साथ आपको एक कंडीशन और क्या देखनी है कि उस यूलर साइकिल में सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, आपकी इवन होनी चाहिए, क्लियर है। सो एक्चुअली क्या है, ये पॉइंट्स हमने सारे इसलिए लिखे क्योंकि आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके की डेफिनेशन आपको देखने को मिल सकती है। सो हमको चेक करने के लिए सबसे सिंपल रूल क्या है कि सारे वर्टेक्स की डिग्री अगर इवन है तो वो यूलर ग्राफ है, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है तो वो यूलर ग्राफ नहीं है। अब उस केस में आपको यूलर पाथ चेक करना है, ठीक है। अब पाथ के लिए भी डायरेक्ट वे होता है कि कैसे सेटिस्फाई करें हम, तो देखिए पहले हम एक एग्जांपल लिखते हैं उसके थ्रू समझते हैं। ए बी सी डी ई एंड एफ दैट इज द ग्राफ। अच्छा बताइए इट इज यूलर ग्राफ और नॉट, क्या ये यूलर ग्राफ होगा? यस सर, इट इज यूलर ग्राफ बिकॉज सारे वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है, इसकी 2 है, अगेन इसकी 4 है, इन दोनों की 2 है। तो अगर ये यूलर ग्राफ है यानी डेफिनेटली यहां पे एक यूलर साइकिल भी होगी, ठीक है, एंड यूलर पाथ भी एग्जिस्ट कर रहा होगा आपका। सो दैट पाथ के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए, ए से स्टार्ट किया मान लीजिए, दैट इज ए बी, ठीक है, बी से सी पे गए आप, सी से डी पे जा रहे हैं, डी टू मान लीजिए हमने लिखा दैट इज, ठीक है। अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से एफ, ठीक है, एफ से बी एंड बी से ई, बी से डी, ई से डी एंड डी से ए, दैट इज यूलर पाथ। अब देखिए इस केस में यूलर पाथ और यूलर साइकिल में हम एग्जैक्टली यूलर पाथ को जो कंसिडर कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे अगर आपको ये बोला है कि दैट इज यूलर पाथ और नॉट, सो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, पाथ की डेफिनेशन हमने क्या बोली, सारी एजेस कवर करना है आपको। सो दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारी एजेस कवर कर लिया, ठीक है। और स्टार्टिंग एंडिंग सेम हो गया यानी कि आपकी ये यूलर साइकिल भी बन गई, क्लियर है, बिकॉज दी इट इज अ ग्राफ सो डेफिनेटली यहाँ पे एक साइकिल एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अब इन दैट केस हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो आपका यूलर पाथ और साइकिल में डिफरेंस जस्ट क्या है कि मान लीजिए ये ग्राफ आपका यूलर ग्राफ भी है, दैट इज ऑल्सो यूलर ग्राफ। मान लीजिए आपने ग्राफ इस टाइप से डिजाइन किया लाइक दिस, नहीं इट इज नॉट सेमी यूलर, इट इज यूलर साइकिल में सेमी यूलर, हाँ साइकिल रहती है उसमें तो पहली और लास्ट वाली
वर्टेक्स ही रिपीट होती है, बाकी वर्टेक्स रिपीट नहीं होते हैं। हाँ, अरे वो नॉर्मल साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट यूलर पाथ और यूलर साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पाथ में तो वर्टेक्स भी रिपीट नहीं होते हमारे, नॉर्मल पाथ में भी कहाँ होते वर्टेक्स रिपीट, पाथ और साइकिल दोनों में नहीं होते, ठीक है। यहाँ हम एक, हमारा मेन लॉजिक क्या है, वर्टेक्स से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें एजेस कवर करनी है, दैट्स इट, क्लियर है। वर्टेक्स चाहे कितनी भी बार कवर हो, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। देखिए मैं अलग अलग ग्राफ से समझाता हूँ आपको, दैट द नेक्स्ट ग्राफ मान लीजिए ये बनाया मैंने ए बी सी डी, ठीक है, ये दो एजेस लगा दी, बताइए ये यूलर ग्राफ है या नहीं? नो सर। यस, इट इज नॉट, बिकॉज द ऑड डिग्री आ रही है किसकी, आपकी ए और डी की, ए और डी की डिग्री क्या है आपके पास, ऑड है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इट इज नॉट यूलर ग्राफ। तो ये यूलर ग्राफ नहीं होगा आपका, सो इस केस में आप क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपके सिर्फ क्या है, पाथ बनेगा या नहीं, बताइए। अच्छा, यूलर पाथ है या नहीं यहाँ पर, देयर इज यूलर पाथ और नॉट? यस सर, बन जाएगा। बनेगा, कैसे बनाएंगे? डी ए, ए बी सी डी, फिर ए और फिर डी, क्योंकि देखिए आपने यहां से ए बी सी डी ए तक गए, इस एच से गए और वापस ए से डी आना पड़ेगा इस एच को कवर करने के लिए, नेमिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5, सो दैट इज 1, दैट इज 2 3 4 एंड 5, ठीक है। डी से ए पे पहले हम 4 के थ्रू गए और ए से डी पे 5 के थ्रू, सो क्या ये यूलर साइकिल है? सो इट इज नॉट यूलर साइकिल, गॉट इट, क्योंकि यूलर साइकिल में आपको क्या चाहिए, ए से स्टार्ट हुआ ए से एंड होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहां पे हम क्या बोलेंगे कि दिस ग्राफ इज नॉट यूलर ग्राफ, ये तो आपने डायरेक्टली डिग्री देख के ही बता दिया, ठीक है। यूलर पाथ, यस इट इज एग्जिस्ट, यूलर साइकिल इट इज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है, समझ में आया ना? यूलर ग्राफ भी नहीं है आपका, साइकिल भी नहीं है, बट इट इज अ यूलर पाथ। सो हमने एक पॉइंट क्या लिखा कि किसी भी ग्राफ में अगर यूलर पाथ है आपका सिर्फ, ठीक है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, सेमी यूलर, सो दैट इज कॉल्ड सेमी यूलर। अगर आपका ग्राफ में सिर्फ पाथ है देन इट इज सेमी यूलर, और अगर आपकी साइकिल है यानी कि वो आपका इवन डिग्री, साइकिल और सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है, तो इवन अगर डिग्री है तो साइकिल भी 100% होगी, ठीक है, दैट इज बाय डिफॉल्ट ट्रू। सो उस केस में आप डायरेक्टली यूलर ग्राफ बोल देंगे, मान ले आपने ये देखा जिसमें सारी डिग्री इवन है, तो जब सारे पॉइंट पे आप टिक लगाते जाएं, दैट इज ऑल सेटिस्फाई, ठीक है। बट अगर डिग्री इवन नहीं है तो उस केस में इस तरीके से, अब देखिए यहाँ भी डायरेक्ट तरीका है आपका देखने का, अगर मान लीजिए सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है तो उस केस में आप कैसे देखेंगे, देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। लाइक मैंने ग्राफ बनाया आपको, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ, क्लियर है, बताइए ये यूलर ग्राफ है, इट इज यूलर ग्राफ और नॉट? नो सर। ओके, यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा क्या यहाँ पे? देखिए ग्राफ नहीं है तो साइकिल भी नहीं होगी, दैट इज डेफिनेटली ट्रू, पाथ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं? नहीं, नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। आप किसी भी डायरेक्शन से अगर दूसरे डायरेक्शन पे जा रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए हम देखें तो ये दो पार्ट का ग्राफ दिख रहा है आपको, तो अगर मैं एफ से स्टार्ट करता हूँ, एफ से या ए से स्टार्ट करें, ए बी, ठीक है, सी डी ई, अब डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वापस इस एज को जब आप कवर करेंगे तो आपको इनमें से किसी एज को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, यानी विदाउट रिपीटेशन सारी एजेस कवर नहीं हो रही है आपकी, क्लियर है। So there is not Euler graph.
यूलर ग्राफ भी नहीं है आपका, ये यूलर साइकिल डेफिनेटली ग्राफ नहीं है तो साइकिल भी नहीं होगी, द यूलर पाथ दैट इज ऑल्सो नॉट, ठीक है साइकिल इज नॉट, और अगर पाथ नहीं है दैट मीन्स सेमी यूलर की जो बात बोल रहे थे हम, दैट इज ऑल्सो नॉट सेमी यूलर, सो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही आपकी। तो देखिए अब सिंपल पॉइंट हम ये बोले कि अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो यूलर ग्राफ होगा, वहां पे साइकिल भी होगी पाथ भी होगी एंड ऑल, ठीक है। अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन नहीं है और अगर एग्जैक्टली दो वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, जैसा कि इसमें दिख रहा है आपको, इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, एक ए की और एक डी की, क्लियर है, बी और सी तो इवन है। तो अगर किसी भी ग्राफ में एग्जैक्टली दो वर्टेक्स की डिग्री क्या है, अगर आपकी इवन है, या फिर आप बोले कि जीरो या दो वर्टेक्स की डिग्री, जीरो वर्टेक्स की डिग्री इवन यानी कि सारे वर्टेक्स क्या हो गए इवन, जीरो वर्टेक्स की डिग्री ऑड यानी सारे वर्टेक्स क्या हो गए आपके इवन, क्योंकि बहुत सी जगह पॉइंट इस टाइप से लिखा हुआ रहता है। सो उस केस में आपका यूलर पाथ होगा, बाकी किसी भी केस में नहीं होगा। यहाँ पे कितने वर्टेक्स की डिग्री ऑड है, इसकी डिग्री ऑड है फाइव, यहाँ पे डिग्री थ्री, इसकी डिग्री थ्री, इसकी डिग्री थ्री, तो फोर वर्टेक्स की डिग्री ऑड आ रही है आपकी, सो इट इज नॉट अ यूलर ग्राफ, या यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूलर पाथ के लिए आपकी कंडीशन क्या है, ठीक है, इफ जीरो और टू ऑड डिग्री वर्टेक्स, ऑड डिग्री वर्टेक्स इन द ग्राफ, इफ जीरो और टू ऑड डिग्री वर्टेक्स इन द ग्राफ, देन देयर इज अ यूलर पाथ, देयर इज अ यूलर पाथ इन द ग्राफ, otherwise there is not any path, there is not any Euler path। तो अब देखिए, अब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि क्या वहां पर ग्राफ है, क्या वो पाथ है, या वहां पर सेमी यूलर है। तो हमने बोला अगर सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो ग्राफ है, साइकिल भी है, पाथ भी एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। क्योंकि देखिए यहां पे आपने यूलर पाथ की डेफिनेशन में पॉइंट लिख दिया जीरो और टू ऑड डिग्री वर्टेक्स, जीरो यानी कि एक भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री ऑड है, या फिर टू ऑड डिग्री वर्टेक्स हो तो आपका पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो जब जीरो ऑड डिग्री की बात करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू साइकिल या यूलर ग्राफ, ठीक है, यानी सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन हो गई। सो जस्ट ग्राफ देख के आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वहां पर आपका यूलर ग्राफ है, यूलर पाथ है, यूलर साइकिल है या सेमी यूलर है, जो भी है, सारी कंडीशन आपकी डायरेक्टली समझ में आ जाएगी। बट अगर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूलर पाथ इन अ पर्टिकुलर ग्राफ, क्या बनेगा, तो फिर आप उसको ट्रेवर्स करके बता सकते हैं कि क्या पाथ बन वहां पर बन रहा है, ऑप्शंस भी दिए रहेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए यूलर, अगर मान लीजिए ग्राफ आपका डायरेक्टेड है, इसमें पॉसिबल डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी पूछ सकते हैं, क्या बोलेंगे, हाँ कंप्लीटेड सर, कर लिया, ओके। देखिए अगर आपका डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, यूलर ग्राफ कैलकुलेट करना है इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, सो इफ द ग्राफ इज डायरेक्टेड, डायरेक्टेड ग्राफ इज यूलर इफ, पहली कंडीशन, इन डिग्री ऑफ, सॉरी, इन डिग्री एंड आउट डिग्री, इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, इन डिग्री एंड आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स
should be equal in degree and out degree of each vertex should be equal. ठीक है. And second point, it must be strongly connected. ठीक है. So that is the meaning. यहाँ पे आप कोई भी ग्राफ लिखें, इन डिग्री आउट डिग्री हर वर्टेक्स की सेम होगी अगर, तो वो आपका क्या होगा, यूलर ग्राफ होगा. सो दैट इज दिस. यहाँ पर ए बी सी डी, ठीक है, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड अगर आपने वर्ड लिख दिया, यानी कि हर एक आप डेफिनेटली उसको क्या कर पा रहे हैं, ट्रेवर्स कर पाएंगे. अगर इन डिग्री आउट डिग्री सेम है तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, दैट इज कंप्लीटली पाथ एग्जिस्ट करेगा आपका. क्लियर है. सो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दैट इज अ यूलर ग्राफ. ठीक है, अगर इसमें मैंने यहाँ पर एक साइकिल अगर आप डिजाइन करते हो, दैट इज ए, ठीक है, ए बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, सो दैट इज यूलर साइकिल. ठीक है, ये आपकी यूलर साइकिल होगी, दैट इज यूलर ग्राफ, ये यूलर ग्राफ है आपका. नाउ मान लीजिए आपने यहां पर ग्राफ इस टाइप से डिजाइन किया, ए बी सी एंड डी, लाइक दिस. ठीक है, सो इट इज यूलर ग्राफ और नॉट, बताइए इट इज यूलर ग्राफ और नॉट? नो सर, नहीं होगा. क्लियर है? बिकॉज इन डिग्री, यस, इन डिग्री ऑफ ए जो है That is exactly one, and out degree is two. और same C के लिए हो रहा है आपका. C के लिए in degree जो है two है और out degree one है. So that's why it is not Euler graph. तो ये not Euler लिख दिया आपने. तो ये Euler graph तो नहीं है. But क्या यहाँ पे Euler path होगा? देखिए path का मतलब वही है कि सारी edges cover करनी है आपको. चाहे वो directed हो, undirected हो. क्योंकि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड अगर है तो आपकी एजेस कवर कर सकता है वो. तो क्या यहाँ पे सारी एजेस कवर होगी? यस सर. यस, सो ए से बी पे गए, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ए पे, और ए से अगेन सी पे, दैट यूजिंग दिस एज. सो इट इज यूलर पाथ. बट क्या ये साइकिल है? नो, इट इज यूलर साइकिल. नो सर, नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग एंडिंग सेम होना चाहिए. सो नॉट यूलर साइकिल. ठीक है, क्योंकि यूलर ग्राफ नहीं है तो 100% वहां पर साइकिल तो होना ही नहीं है. क्लियर? सो दैट इज द वे टू चेक इन द डायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है, डन. चलिए एक क्वेश्चन लिखिए. विच ग्राफ is an Euler which graph is an Euler path but not Euler graph. path है but graph नहीं है. ठीक है, which of the following graph is a Euler path but not Euler graph? first option is K11. Second, K2,10. Third option, K2,11. And last option, K10,11. अब देखिए, first option complete graph को बता रहा है और बाकी तीनों complete bipartite को बता रहे हैं. ठीक है, that is simple complete graph and this three is complete bipartite graph. So, which of the following is true? Graph is a Euler path but not Euler graph. Euler path है बट ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे.
सिंपल सा लॉजिक है आप. ग्राफ नहीं होना चाहिए, पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए आपका. ठीक है, आपको देखने में आंसर अलग लगेगा बट एक्चुअल आंसर अलग. ठीक है, तो आप थोड़ा सा उसको जस्ट ड्रॉ करके समझे क्योंकि एक्चुअली डिग्री से मतलब है आपको. सो हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी कितनी बनेगी किस किस ग्राफ में, जस्ट इतना फाइंड कर ले आपको आंसर क्लियर हो जाएगा. चलिए, सो मैक्सिमम का आंसर आया है, देखते हैं. देखिए फर्स्ट वर्टेक्स, फर्स्ट एग्जांपल में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी बताइए. के 11 में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? 10. ऑब्वियसली 10. के 11 इज n माइनस 11 माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 यूलर ग्राफ बोलते हैं, सॉरी रेगुलर ग्राफ बोलते हैं. सो डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 10 और हर वर्टेक्स की डिग्री 10 है, यानी इवन, इवन है यानी यूलर ग्राफ है. और हमें बोला है यूलर ग्राफ नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है. K2 10, तो K2 10 यानी कि एक सेट में 2 वर्टेक्स है और एक में 10 है, तो इधर के दोनों वर्टेक्स इन सारे 10 वर्टेक्स से कनेक्टेड होंगे, यानी कि इन दो वर्टेक्स की डिग्री 10 और इन 10 वर्टेक्स की डिग्री 2, यानी सब वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इवन. और इवन है यानी कि नॉट, सॉरी इवन है यानी कि यूलर ग्राफ है, बट हमें पूछा है कि यूलर ग्राफ नहीं होना चाहिए, सो ये ऑप्शन भी नहीं है. यहां पर अगर आप देखें तो दो वर्टेक्स की डिग्री 11 है, यानी कि दो वर्टेक्स V1 और V2 अगर मैंने ड्रॉ किया, सो इसकी डिग्री कितनी है? 11. और इसमें कितनी एज जा रही है? 11. और इधर वाले 11 वर्टेक्स की, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 ही होगी क्योंकि वो इन दो से कनेक्टेड होंगे. So, दो वर्टेक्स की डिग्री ओड है, बाकी सारे वर्टेक्स की डिग्री इवन है. दैट मींस अ यूलर पाथ बट नॉट ग्राफ. सो सी इज द राइट आंसर. यहां पे अगर आप देखें तो 10 वर्टेक्स की डिग्री 11 है, यानी कि 10 ऑड डिग्री वर्टेक्स है. तो अगर 10 ऑड डिग्री वर्टेक्स है तो ना तो यूलर ग्राफ होगा और ना ही पाथ होगा. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स. सी इज द राइट आंसर. गॉट इट? क्लियर है? So that is the way. इस तरीके से चेक करेंगे आप. So right answer is C. C is the right answer. देखिए D में क्या है आपका, 10 वर्टेक्स है, that is V1 to V10. और ये 10 वर्टेक्स इधर के 11 वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री कितनी है? 11. फिर V2 की डिग्री भी कितनी होगी? 11. V3 की डिग्री भी कितनी होगी? 11. और V10 की डिग्री भी कितनी होगी? 11. यानी इन 10 वर्टेक्स की डिग्री 11 है, यानी ये 10 वर्टेक्स क्या है? ऑड डिग्री की. तो अगर आपका एक से दो से ज्यादा ऑड डिग्री वर्टेक्स है तो उस केस में आप क्या बोलते हैं? ना तो पाथ होगा और ना ही ग्राफ होगा. ग्राफ तो अगर आपका दो ऑड डिग्री वर्टेक्स है तो भी नहीं होगा, बट पाथ किस केस में नहीं होगा? जब दो से ज्यादा ऑड डिग्री वर्टेक्स हो. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ यूलर पाथ. ठीक है, वो एक्चुअली क्या देखने में ऐसा लगता है, यहाँ पे आपने देखा 2 और 11, तो 11 के केस में आपको क्या लग रहा है कि 11 ऑड डिग्री वर्टेक्स हो जाएंगे, बट ऑड डिग्री वर्टेक्स 2 ही है क्योंकि ये 2 11 से कनेक्टेड है. चलिए, सो बाकी हम कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे. हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या होता है एंड सो ऑन.
if there are any undirected graph Euler that are directed Euler graph or reverse. If there are any undirected graph Euler that are directed Euler. मुझे पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप? आ रहा हूँ सर, एक्चुअली मैं कल बताऊंगा, मतलब उसको मैं मतलब कुछ सोच रहा था लेकिन ठीक है कल पूछते आप। यस सर, समझ में नहीं आया, एक बार आप ट्राई करें फिर कल पूछो। चलिए मैं आज तक की पीपीटी जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा आपको। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू, बाय बाय।